वो हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। रोहित नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर हमने सुजलॉन का लिया है 930 शेयर। सर हमने 36 पे भी लिया है, 42 पे भी लिया है, 44 पे भी लिया है। अच्छा, तो इस समय शेयर घट गया है, 42 के नीचे 40 आ गया है। और इस समय जो युद्ध चला है उसकी वजह से कल सूचना मिली थी भाई शेयर गिरेगा, तो ठीक है। देखिए यही जानकारी चाहते हैं क्या जो आगे होगा। जी, ग्लोबल जो चिंताएं हैं उसकी वजह से तो पूरे मार्केट पे ही हम दबाव देख रहे हैं, और यही वजह है कि सभी स्टॉक पर वो असर नज़र आ रहा है। और सुजलान भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% के करीब यहाँ पर दबाव बनता हुआ है इस वक्त स्टॉक में। चलिए एक बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। कई लेवल पे आपने खरीदारी की है, 36 से लेकर 44 तक के बीच में। राजेश बताइए, सुजलॉन पे क्या व्यू बन रहा है? इन्होंने स्टॉक में अलग अलग स्तरों पे खरीदारी कई बार की है, 36 रुपये पे भी खरीदा है, 42 40 41 रुपये पे भी खरीदा है, और 44 रुपये पे भी खरीदारी की है। सुजलॉन को अगर देखे तो रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट हमारे ये रही है कि आगे नेक्स्ट जो व्यू मार्केट में जो मूव रहेगा वो फ्रंटलाइन काउंटर्स में रहेगा। तो सुजलॉन में उतना ही पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो सलाह होगी कि जो भी बाउंस मिलता है अराउंड 43-45 के आसपास, तो वहां पे एक बार वापस चेक करना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है। अभी फिलहाल के लिए जो है 38 पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट के स्टॉप लॉस से जो है वो होल्ड रख सकते हैं। के मुताबिक आपको होल्ड करने की सलाह सुजलॉन में दी जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आरती का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। सौरभ आपके पास आऊंगी, मेरे पास हालांकि नज़रिया क्या है उसका अंदाज़ा नहीं है, पर इन्होंने TCS लिया है सौरभ, 500 रुपये, 500 शेयर हैं और 3,500 की इनकी बाइंग प्राइस है। तो फिलहाल ये बैठी तो है मुनाफे पर, और मेरे ख्याल से अगर TCS जैसी कंपनी है तो शायद निवेश का नज़रिया इनको वाकई बनाकर रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। पर आपकी क्या राय होगी, फिलहाल जो मुनाफा भी इनको हो रहा है उसमें और वृद्धि करने के लिए कितना रुकना चाहिए? और तरह से आईटी का लग रहा है, एआई का लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में बहुत अच्छा बिजनेस आते हुए देखेंगे। टीसीएस के नतीजे आए तो उन्होंने भी वहां पर बाजार को थोड़ा सा, जो बाजार की अपेक्षाओं से बेहतरी नतीजे आए, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, डील विन काफी अच्छा था। मैं समझता हूँ आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा, बुक टू बिल रेशियो हम बढ़ते हुए देखेंगे, मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए देखेंगे, और जो मैनेजमेंट है काफी कॉन्फिडेंट है। तो अगले 2-4 साल मैं समझता हूँ एआई जो इंटीग्रेशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो कारोबार है कंपनी का वो काफी विस्तार करेगा। मेरी समझ से आपने बड़े अच्छे रेटों पे लिया है, तकरीबन 3,500 रुपए पे, और अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ही होल्ड रहना चाहिए।